देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म में डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी। तो डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी का टॉपिक तो आपको आते ही होगा, समय लिखा होगा। तो हमने कहा आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो साइन स्क्वायर टी अपॉन टी। क्या साइन स्क्वायर टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको आता है? स्क्वायर में कहीं बताया गया है? किसका आता है? साइन टी का है, साइन ए टी का है, मल्टीप्लाई चलेगा लेकिन स्क्वायर नहीं चलेगा। तो हमें हाइपरबोलिक तो बात ही नहीं यहाँ पर है। तो क्या स्क्वायर को मल्टीपल में ब्रेक किया जा सकता है? जी हाँ, ये हो सकता है। हम जानते हैं एक फार्मूला, वी नो दैट अगर कॉज टूटी हो जिसको वन माइनस टू साइन स्क्वायर टी लिख सकते हैं। देखो ये जो फार्मूला है ना, ये हर जगह काम करता है। जब हम इंटीग्रल पढ़ते थे और साइन स्क्वायर टी का इंटीग्रल नहीं होता था तो ये भाई साहब आते थे बचाने के लिए, ठीक है। तो यानी कि साइन स्क्वायर टी को क्या लिख सकते हैं? वन माइनस कॉस टू टी बाई टू, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम साइन स्क्वायर टी का लाप्लास निकालेंगे, फिर डिविजन बाई टी मेथड लगाएंगे ना। नाउ हम निकालेंगे लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी, और साइन स्क्वायर टी को क्या लिखेंगे? लाप्लास ऑफ वन माइनस कॉस टू टी बाई टू। ये वन बाई टू बाहर कर दो, वन बाई टू बाहर कर दो, और ये लाप्लास ऑफ वन अलग कर दो, माइनस लाप्लास ऑफ कॉस टू टी अलग कर दो। अब अपने दिमाग को थोड़ा सा ऑन ऑफ करो। वन बाई टू, देखिए लाप्लास ऑफ वन क्या होता है, प्रूफ कर सकते हो? देखिए जितने भी लाप्लास के फॉर्मूले आप बता रहे हैं, जैसे फॉर्मूला बताया करिए वैसे दिमाग में आपकी बत्ती जल जानी चाहिए कि मैं ये प्रूफ तरीका था। मैं प्रूफ कैसे होगा? ट्राई कर सकते हैं, नहीं भी आ सकता है। ट्राई कर सकते हैं मतलब नहीं भी आ सकता है, ये ना होने चाहिए। तो लाप्लास ऑफ वन क्या हो गया? वन बाई एस माइनस लाप्लास ऑफ कॉस टू टी, हाँ। तो हम जानते हैं लाप्लास ऑफ कॉस ए टी होता है एस अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आएगा एस अपान एस स्क्वायर। यहां ए क्या है? यहां टू है, तो प्लस टू स्क्वायर दैट इज प्लस का फोर, ये लाप्लास आ गया, ठीक है। यानी इसी को तो आप एफ एस कहते हो, ये तो आपका एफ एस है। और ये निकला, ये किसके इक्वल है? ये मैं यहां ऐसे इतने लिखे दे रहा हूं, ये एक्चुअली में लाप्लास ऑफ ये है क्या? ये साइन स्क्वायर टी है तो यही। अब आपको तो यहां पर लिखा है साइन स्क्वायर टी बाई टी, यानी आपने यहां पर टी से क्या किया है? डिवाइड किया है, तो आप लिखेंगे बाई डिवीजन बाई टी प्रॉपर्टी, डिवीजन बाई टी प्रॉपर्टी। तो हमने क्या किया है? एल साइन स्क्वायर टी को टी से डिवाइड किया है। क्या फॉर्मूला होता है मेरा बताए? इंटीग्रल क्या होता है फॉर्मूला? इंटीग्रल एस टू इंफिनिटी एफ एस डीएस। अब हमारे लाप्लास साहब का काम खत्म हो गया, इंटरमीडिएट डेफिनेट इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल एस टू इंफिनिटी, ये वन बाई टू बाहर कर दो, और ये आएगा वन बाई एस माइनस एस बाई एस स्क्वायर प्लस फोर डीएस। अब आपको अपना दिमाग लगाना है कि आखिर इसका इंटीग्रल होगा क्या। यहां से काम खत्म हो गया ना, बताएं। मैं इसको अलग अलग किए दे रहा हूं, ये इधर क्या चल रहा है? इधर चल रहा है लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी बाई टी चल रहा है। इधर मैंने क्या किया? वन बाई टू अलग कर दिया, वन बाई एस डी एस अलग कर दिया, एस टू इंफिनिटी माइनस वन बाई टू इसके साथ भी कर दिया, और यहां पर हमको रब करना पड़ेगा। चलो भाई साहब, तो ये भी आएगा इंटीग्रल
एस टू इन्फिनिटी एस अपान एस स्क्वायर प्लस फोर डी एस। अच्छा हाँ, यहाँ डिवीजन लगा रहे हो वन बाई टू, बताइए वन बाई एस डी एस का इंटीग्रेशन, वन बाई एस डी एस का इंटीग्रेशन यानी एस को एक्स मान लेंगे, फिर यहां पर एक्स आ जाएगा तो लिखिए हो जाएगा वन बाई एक्स, फिर वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन, पहले एक्स को फिर वाई मान लेंगे। नहीं, मैडम जी ये इंटीग्रल की बात हो रही है, ठीक है, किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर वन बाई एक्स आता है, किसको डिफरेंशिएट करेंगे वन बाई एक्स आएगा, वो भी नहीं याद है तो भी गड़बड़ है। लॉग एक्स को डिफरेंशिएशन होता है लॉग एक्स का वन बाई एक्स, तो वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स, तो एक्चुअली में इसका इंटीग्रेशन लॉग एस होगा, लॉग एस टू बेस ई, और यहां लिमिट रखेंगे अभी नहीं रखेंगे, अभी नहीं, लास्ट में रखेंगे लिमिट, चलो रख दीजिए बाद में बात करेंगे। एस टू इन्फिनिटी वो आदत है ना जीरो टू इन्फिनिटी, वो एक हैबिट में आता है जीरो टू इन्फिनिटी। अब बताइए इसका इंटीग्रल कैसे करें, इसका इंटीग्रल बताइए, वैसे तो हमको इसको डायरेक्ट लिखना चाहिए, लिखेंगे नहीं अलग की बात है, क्या होगा इसका इंटीग्रल, देखो अगर इंटीग्रेशन नहीं आता है तो फिर लाप्लास नहीं कर सकते आप। देखिए अगर 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 केवल 1 बाई एस स्क्वायर प्लस फोर टू स्क्वायर होता और इसको s के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होता, केवल ऊपर s ना होता, क्योंकि s वेरिएबल है इसलिए उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर ये होता तो इसका इंटीग्रल क्या होता है, बोले उसका कहां मालूम है, उसका ये भी नहीं मालूम है, इसका होता 1 बाई टू टेन इनवर्स एस बाई टू, क्योंकि हमने इंटर में पढ़ा है 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रल होता है 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है, ये घुस गया जाकर के एस ऊपर तो क्या करें, तब ये वाला मेथड यहां पर फॉर्मूला यहां पर नहीं लगेगा। हाँ, एक तरीका था, नीचे वाले कुछ मानते थे कि उसके लिए जरूरी है कि उसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट होना चाहिए, तो अगर मैं एस स्क्वायर प्लस फोर को टी मान लिया तो इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, तो मैंने क्या किया यहां पर एस स्क्वायर प्लस फोर को मान लिया टी, अब टी तो ना ही माने, टी यहां घुसा हुआ है तो इसको यू मान लेते हैं, यू मान लेते हैं, तो टू एस डी एस बराबर डी यू, क्योंकि ऊपर एस डी एस है ना, तो एस डी एस की वैल्यू आएगी डी यू बाई टू, वैसे तो लिमिट भी चेंज करनी चाहिए लेकिन हम एक्चुअली ये करना नहीं चाहते, क्योंकि अगर हमने वहां लिमिट चेंज कर दी तो यहां गड़बड़ हो जाएगा ना, यहां एस में लिमिट रख नहीं सकते हम, यहां मजबूरी हमारी है, इसलिए मैं ऐसा करूंगा नहीं, मैं लिमिट यहां रख नहीं रहा हूं, लिमिट कुछ इसको छुएंगे नहीं, एस डी एस को क्या लिखेंगे डी यू बाई टू, और ये यू हो गया, ठीक है, तो ये है वन बाई टू, ये टू यू है, ये उसमें यू फोर तरह लगता है इसलिए म्यू बनाना पड़ा, यह आएगा लॉग एस टू बेस ई लिमिट एस टू इन्फिनिटी माइनस, हम यहां पर लिमिट नहीं चेंज कर रहे हैं कि मेरी ये मजबूरी है कि मैं यहां पर लिमिट ऑपरेट नहीं कर सकता बिना इनकी मदद के, देखो ध्यान से इसका लॉग यू हो जाएगा ना, इसका क्या हो जाएगा लॉग यू, और यू को मान रख दो उठा करके एस स्क्वायर प्लस फोर, और अब देखो लिमिट यहां भी रखी जाएगी एस टू इन्फिनिटी, सुनो ध्यान से, अगर आप अच्छा एक मिनट, यहां वन बाई फोर आएगा, अब जरा ध्यान से समझिएगा, अगर आपने लिमिट यहां ऑपरेट की सावधान, यहां लॉग इन्फिनिटी हो जाएगा जो कि अनडिफाइंड है, यहां भी लॉग इन्फिनिटी हो जाएगा जो कि अनडिफाइंड है, इसलिए हम यहां पर दोनों में अलग अलग लिमिट ऑपरेट नहीं कर सकते, पहले दोनों को कंबाइन करके लिखिए फिर बात करें, ऊपर नहीं, ऊपर ही रब कर रहे हैं, देखो ध्यान से, यहां जरा देखिए ध्यान से, यहां पर मैंने क्या किया, ये इधर क्या चल रहा है वो लिख लीजिएगा, हमने 1 बाई फोर बाहर कर दिया, ये 2 यहां मल्टी में आएगा ना, ये आएगा 2 log s टू बेस e माइनस log s स्क्वायर प्लस 4, और लिमिट हमने डायरेक्ट यहां अप्लाई कर दी s टू इन्फिनिटी, ठीक है, क्या मैं यहां लिमिट को इस स्टेज पे रख सकता हूं, नहीं रख सकता, ये नोट कर लिया, अगर मैं यहां पर लिमिट रखता हूं ना तो इन्फिनिटी घुस जाएगा करके जो कि अनडिफाइंड है, तो यहां पर हम लिमिट नहीं रखेंगे,
तब क्या करें, सावधान, यहां पर log, ये 2 हटाओ यहां से, क्योंकि log m माइनस log n लगाना चाहते हैं, इस 2 को हटाइए अगले स्टेप में, कैसे हटेगा, ये 2 को हटाओ यहां से, क्योंकि log m माइनस log n होता है log m अपान n, इस 2 को हटाइए यहां से, जी हाँ, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इस 2 को हटाएंगे और यहां स्क्वायर कर देंगे अगले स्टेप में, अपना रब कर देना, व्हाइट ना लगा दिया पता चला, वही 2 को हटाओ पता वहां से रब कर दिया, ले लो हटा दिया, अब देखो ध्यान से, 1/4 ये log m माइनस log n है, तो आएगा log m अपान s स्क्वायर प्लस 4 टू बेस e और लिमिट s टू इन्फिनिटी, अभी भी मैं इन्फिनिटी यहां नहीं रख सकता, जब कभी इन्फिनिटी लिमिट रखनी होती है तो कंसेप्ट क्या होता है, जैसे कोई फ्रैक्शन में कोई चीज दी है और इन्फिनिटी लिमिट रखना चाहते हैं तो कंसेप्ट क्या होता है, कंसेप्ट ये है कि ऊपर नीचे एस स्क्वायर से डिवाइड कर दो, हम 1/s लाने की कोशिश करेंगे, तो 1/s जब ले आएंगे ना, 1/s ले आओ, एस स्क्वायर ले आओ, तो जब इसमें लिमिट रखोगे ना तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो, तो हम एक चीज यहां करेंगे, आएगा लॉग, इधर देखिए एस स्क्वायर, नीचे से एस स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बचेगा 1/4 अपान एस स्क्वायर, ये बचेगा, और ये लिमिट हमने बाहर रखती उठा करके, अब ये एस स्क्वायर से कट जाएगा, अब मैं लिमिट रख रहा हूं जरा 1/4, सावधान, तो जब इन्फिनिटी रखोगे तो यहां पर रखोगे ना एस की जगह, और 4 अपान इन्फिनिट जीरो आ जाएगा, तो लॉग 1 आएगा ना, और माइनस जब एस रखोगे तब तो यही रहेगा, ये रखो यही रखो, एस में तो यही आने वाला है ना, तो एस रखोगे तो क्या आएगा, लॉग एस स्क्वायर अपान एस स्क्वायर प्लस 4, यहां रखोगे तभी एलसीएम लेके यही आएगा, लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है, ये तो यही रहेगा ना, एस एस रखोगे तो यही तो आएगा ना, यहां रखोगे तभी यही रिजल्ट आने वाला है, एलसीएम लेकर के तो हम यही रखे जा रहे हैं, अब देखो ध्यान से, लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है, जीरो, तो ये आ जाएगा आपका माइनस 1/4 लॉग एस स्क्वायर अपान एस स्क्वायर प्लस 4, ये आपका आंसर हो गया, क्या माइनस को हटाया जा सकता है, माइनस को हटाया जा सकता है, इसको माइनस को हटाओगे जब ये पलट जाएगी, तो आ जाएगा आपका 1/4 लॉग एस स्क्वायर प्लस 4 अपान एस स्क्वायर, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका आया हुआ है, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म आया हुआ है साइन स्क्वायर टी अपान टी का, मतलब क्या अगला क्वेश्चन लगा रहे हैं, टाइम तो लगेगा ना, ठीक है, तो ये आपका डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी का एक न्यूमेरिकल है, नोट करिए।